क्या बोला? बोलो भाई, क्या बोला? बोल ना, बोल बोल भाई। क्यों फर्जी में पंगे ले रहा है? ट्रेन के वॉशरूम का जो नल है ना ऐसे टपक रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसको बंद करने की, लेकिन बंद नहीं हुआ। आप सोचो कितना पानी बर्बाद हो जाएगा इसकी यात्रा के दौरान। भाई साहब अभी लड़ रहे थे, वो कह रहे थे वो रेलवे के स्टाफ हैं। वो लोग जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रेलवे का स्टाफ होने के बाद भी अगर आप रेलवे के काम से नहीं जा रहे हैं, अगर आप अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं तो आपको टिकट लेकर जाना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में। और आज की यात्रा हम करने वाले हैं गाड़ी संख्या 22,465 बाबा बैजनाथ देवघर धाम एक्सप्रेस, जो कि मधुपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक चलती है। बात करेंगे इस गाड़ी की सारी डिटेल के बारे में, कोच कंपोजिशन के बारे में, स्टॉपेज के बारे में, लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छी बात यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए आपको स्लोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीढ़ियों से आपको मेमो ट्रेन अभी यहाँ से चल चुकी है और इसके बाद हमारी ट्रेन आने वाली है बाबा बैजनाथ एक्सप्रेस। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ से अभी गुजरी है प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसमें भीड़ इतनी थी जो कि अनियंत्रित थी और भीड़ की वजह से मुझे वो ट्रेन छोड़नी पड़ी। गाड़ी संख्या 22,465 बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस, जो माधोपुर से लेकर आनंद विहार के बीच चलती है और प्रयागराज में हम इसको बोर्ड करेंगे। प्रयागराज के बाद इसका अगला स्टॉप होगा कानपुर, उसके बाद कानपुर के बाद लास्ट स्टॉप जो होगा आनंद विहार टर्मिनल होगा। इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करें तो 1 सेकेंड AC, 4 थर्ड AC, 9 स्लीपर और 5 जनरल के कोच हैं। जनरल कोच की संख्या ज़्यादा है, ये एक अच्छी बात है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और वाइड 5 का लोको है, इसका 323745 और इसके पीछे एक और लोको लगा हुआ है कटनी जंक्शन का लोको। और ये गुड्स ट्रेन जिसे मालगाड़ी भी कहा जाता है और इधर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन लग रही है प्रयागराज बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 1 पे लग रही है प्रयागराज बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और इस पे आएगी हमारी ट्रेन बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22,465। गाड़ी हमारी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाज़ियाबाद के लोगों के साथ। बहुत भीड़ है। यह है जनरल के क्लासेस, 2 आगे कोच 3 आगे कोच है जनरल के और 2 कोच है आगे की तरफ। यह जनरल के कोचेस, कुछ ने तो अंदर से पहले ही गेट बंद कर रखा है और कुछ है खुले हैं। इसमें शायद ठीक ठाक जगह हो जाए। वैसे प्रयागराज से तो खाली ही ट्रेन है ये। चलो इसमें चल सकते हैं, हम चलते हैं अंदर। चलो भाई लोग, इस ट्रेन का जनरल कोच कुछ ऐसा है, ठीक ठाक खाली सा, जैसा आपको प्रयागराज के दिखाया वैसा नहीं है। ये ट्रेन जाएगी आनंद विहार टर्मिनल तक। तो आज की यात्रा हम नई दिल्ली नहीं, आनंद विहार टर्मिनल तक करने वाले हैं बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस के साथ जनरल कोच में। एक बार ट्रेन डिपार्चर हो जाए फिर आपको इस ट्रेन की डिटेल देता हूँ। गाड़ी बारी हो गई यहाँ से डिपार्चर और यहाँ पे लग रहा है बिस्तर। बाकायदा बिस्तर लगा के भाई अपना सोएगा। तो नीचे पूरी जगह खाली है। प्रयागराज में तो बुरा हाल था। इधर देख लो, इधर कुछ ऐसा है। मतलब ये ट्रेन प्रयागराज से लगभग 80% खाली है। क्या बोला? बोल 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 क्या बोला? बोलो भाई, क्या बोला? बोल ना, बोल बोल भाई। क्यों फर्जी में पंगे ले रहा है? बोल रहे तो आपको समझा रहे भैया 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 भैया। क्यों फर्जी में पंगे ले रहा है? बताओ ना, बताओ। ट्रेन नंबर 22465 बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो मधुपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। इस ट्रेन का इनॉग्रल रन हुआ था 14 जनवरी 2020 को। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है, इसलिए सप्ताह में मात्र एक दिन चलती है। मधुपुर से 12:15 पर थर्सडे को प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है और अगले दिन फ्राइडे को 6:30 पर आनंद विहार टर्मिनल में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इसके पहुंचने का टाइम है। 12 मेजर स्टेशन को क्रॉस करते हुए ये गाड़ी 18 घंटे 15 मिनट में आपको दिल्ली पहुंचा देती है। इस दौरान इस ट्रेन का जो सबसे बड़ा स्टॉप है वो है पटना जंक्शन पर 16:30 पर और वहां से डिपार्च होती है 16:40 पर। इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करें, इस कोच में 5 जनरल के कोच हैं जो सबसे अच्छी बात है। 9 स्लीपर, 4 थर्ड एसी और 1 सेकेंड एसी के साथ ये ट्रेन चलाई जाती है। इस ट्रेन में कोई मचमच नहीं है, तो आप इधर प्रयागराज से आनंद विहार तक यात्रा करना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। ये ट्रेन बिल्कुल वैसे ही रन करने वाली है जैसे कि हम सफ़र रन करती है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से छूटती है। वो ट्रेन भी प्रयागराज, कानपुर, आनंद विहार जाती है रोटेट डे में, और ये भी ऐसे ही जाएगी प्रयागराज, कानपुर और आनंद विहार। तो आप ऐसा मान के चलो एक स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है नॉन स्टॉप है, सबसे VIP ट्रेन है। प्रयागराज एक्सप्रेस में इन दिनों भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप इस ट्रेन का भी चुनाव कर सकते हैं। भाई साहब अभी लड़ रहे थे, वो कह रहे थे वो रेलवे के स्टाफ हैं। वो लोग जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि रेलवे का स्टाफ होने के बाद भी अगर आप रेलवे के काम से नहीं जा रहे, अगर आप अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं तो आपको टिकट लेकर जाना है। रेलवे का कोई भी स्टाफ फ्री में अलाउड नहीं होता है, और वो जो रेलवे के स्टाफ होते हैं उनके लिए रेलवे स्पेशल में टिकट अलाउड करता है, और साल में 2 बार जो आप अपने पास के थ्रू टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसी धमकी देते हैं कि मैं रेलवे का स्टाफ हूँ, मैं टिकट नहीं लूँगा, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप GRP को बुलाएं या फिर आप TT से बात करें। स्टेशन के वॉशरूम का जो नल है ना, ऐसे टपक रहा है। मैंने बहुत कोशिश की इसको बंद करने की, लेकिन बंद नहीं हुआ। आप सोचो कितना पानी बर्बाद हो जाएगा इसकी यात्रा के दौरान। गाड़ी अभी हमारी क्रॉस करी फतेहपुर को, और फतेहपुर में इस गाड़ी का कोई स्टॉप नहीं है। इस गाड़ी का स्टॉप है सीधे कानपुर सेंट्रल में। सामने गाड़ी वंदे भारत है। देखो रेलवे की नौकरी इतनी आसान कहाँ है। टॉर्च लेके एक एम्प्लॉय यहाँ पर रेलवे का खड़ा हुआ है इतनी रात को, और अभी बज रहे हैं लगभग 1। देख रहे हैं 2 लोग हैं रेलवे के, ये खड़े हुए हैं। गाड़ी हमारे आगे चंदारी, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है कानपुर सेंट्रल। प्रवेश कर चुके हैं हम कानपुर की धरती पर। अपने जॉब के दौरान मैं भी यहाँ पर 8 से 9 महीने रहा, अच्छा अनुभव रहा है आपका। सामने जा रही गोरखपुर लोकमान्य तिलक, और हम पहुँच रहे हैं बिल्कुल कानपुर सेंट्रल पर। सामने आपको स्टेशन दिख रहा होगा जहाँ पर लाइटें चल रही है। ये जनरल क्लास है, इसके बहुत बिजी ट्रेन है। ये कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। गाड़ी मारेगी कानपुर सेंट्रल पर, और यहाँ भीड़ बहुत कम है, तो हो सकता है कुछ लोग 2-4 लोग यहाँ पर चढ़े। वैसे इस ट्रेन में भीड़ बहुत कम है, तो इस ट्रेन से यात्रा आप भी कर सकते हैं अगर आप आनंद विहार जाना चाहते हैं तो। सामने खड़ी है AC चेयर कार, ये कानपुर से नई दिल्ली जाती है। शताब्दी स्पेशल ट्रेन है। 808 किलोमीटर की दूरी को तय करके गाड़ी हमारी आ गई है कानपुर सेंट्रल पर, जिसका स्टेशन कोड है CNB। इस गाड़ी को यहाँ पर पहुँचने के समय 12:50 और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद 12:55 पर यह गाड़ी यहाँ से छूटती है, लेकिन गाड़ी अभी हमारी 3 मिनट लेट है। गाड़ी हमारी कानपुर से रवाना हो चुकी है और यह प्लेटफॉर्म पर छोटा सा बना है वेटिंग हॉल, जहाँ पर लोग अपनी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। कानपुर सेंट्रल का यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि बहुत ही बिजी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर यात्रियों की संख्या देखकर आपको अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये कितना बिजी प्लेटफॉर्म है। और इस रेलवे स्टेशन पर आपको डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम जैसी कई सारी बेसिक सुविधाएं मिलती हैं। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 6, 7 भागलपुर से चलकर आनंद विहार टर्मिनल। गाड़ी हमारी कानपुर से रवाना हो चुकी है और इस गाड़ी का अगला और आखिरी स्टॉप होगा आनंद विहार टर्मिनल पर। तो मिलते हैं आनंद विहार में सीधे। मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे में सबसे टफ अगर जॉब किसी की है तो इनकी है। इनको 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर डेली रन करना रहता है, वो भी पैदल। देख रहे हैं, सबसे टफेस्ट जॉब है इनकी। चौसठवीं घड़ी में हो गया 6:27 और गाड़ी हमारी आ गई है आनंद विहार टर्मिनल पर। गाड़ी का पहुंचने का समय 6:30 और 3 मिनट बिफोर हमारी गाड़ी लग गई है आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और ट्रैवल जर्नी पर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।